तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्री सक्सेस की। और ये चीज़ क्या होती है स्ट्रेस फ्री सक्सेस? ये एकदम शुगर फ्री स्वीट डिश जैसा है स्ट्रेस फ्री सक्सेस, क्योंकि शुगर फ्री होता है और स्वीट भी होता है, दोनों चीज़ होता है। हालांकि ये दोनों चीज़ अपोजिट हैं, शुगर फ्री भी है और स्वीट डिश भी है तो बिना चीनी के। वैसे ही सक्सेस भी है पर बिना स्ट्रेस के, बिना एंग्जाइटी के, बिना सारी गलत चीज़ों के, ठीक है। तो काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल होने का मतलब आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होना पड़ेगा और ज़्यादा एंग्जाइटी मिलेगी और सारी वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये असलियत भी है। ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल है उनकी लाइफ बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत एंग्जाइटी और बहुत सारी वो चीज़ें। पर आप चूज़ कर सकते हो कि आप अपनी सक्सेस इस तरीके से बनाओ कि आपकी सक्सेस के बाद आपको इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी ना मिले, आपकी लाइफ में पीस हो, काम हो और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकें, ठीक है। तो बेसिकली दो तरह की सक्सेस होती है। एक सक्सेस तो वो होती है जिसमें आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाते हो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छी सक्सेस है। और जो दूसरी सक्सेस होती है वो होती है ऐसी सक्सेस जिसमें आप जैसे सक्सेसफुल होते जाते हो वैसे वैसे आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ता, आपको पीस मिलती जाती है, आपको और फ्रीडम मिलता जाता है, ठीक है। और ये वाला सक्सेस को क्राफ्ट करना मुश्किल है। और जो पहली वाली सक्सेस जो है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो वाली आसान है, मतलब कंपेरेटिवली, कि जब आप उस वाली सक्सेस के रास्ते पे जाते हैं जिससे आपको और एंग्जाइटी मिलती है और ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा लोग अपनाते हैं उस तरीके को, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते हैं इस तरीके को। पर दूसरा एक तरीका जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है वो है तरीका जिसमें आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और फिर भी आप सक्सेसफुल होते जाते हो, बेहतर करते जाते हो लाइफ में, ठीक है। तो अब कैसे, अब दूसरा सवाल बनता है कि अब आप कैसे स्ट्रेस फ्री सक्सेस कैसे बनाएं, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री सक्सेस बनाने के लिए आपको अपने सारे डिसीजंस इस हिसाब से लेने पड़ेंगे कि इस डिसीजन के बाद क्या मेरे को और ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, और ज़्यादा एंग्जाइटी मिलेगी, और ज़्यादा काम मिलेगा, या फिर इस डिसीजन के बाद मुझे और पीस मिलेगी और काम मिलेगा और शांति मिलेगी और फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा दूसरे वाले के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है कि जब भी आपको और शांति मिल रही हो और ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा हो और ज़्यादा पीस मिल रही हो, तो वो वाले डिसीजंस आपको लेने हैं। और जब भी आपके डिसीजन से आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी मिली और ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है और ज़्यादा काम आपके सर पे आ जा रहा है, वो वाले डिसीजन आपको नहीं लेने, ठीक है। तो आपको शांति वाले डिसीजंस लेने हैं और पीस वाले लेने हैं जिससे आपकी हैप्पीनेस बढ़े, वो वाले डिसीजन लेने हैं, वो वाले नहीं कि जिससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ता चला जाए। तो ये प्रोसीजर होता है कि इसको एकदम शुरू से क्राफ्ट करना पड़ता है ऐसी वाली सक्सेस को। अगर आप माइंडलेसली चले जाओगे सक्सेस के पीछे तो फिर आप बहुत ज़्यादा चांस है आप गलत वाली सक्सेस पकड़ लोगे जिसमें आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह सारी चीज़ें आएंगी साथ में फ्री में। और सक्सेस अगर आप सिर्फ वेल्थ के टर्म्स में देख रहे हो तो फिर वो तरीका है जिसमें कि आप सक्सेस के पीछे बस भागते हो, आपको स्ट्रेस ओवरवेल्म सारी चीज़ होती हैं, पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको सिर्फ वेल्थ ही चाहिए और वो आपको मिल जाती है, पर साथ साथ स्ट्रेस मिलती है, एंग्जाइटी मिलती है और हैप्पीनेस नाम मात्र की होती है, नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा जो सक्सेस होता है, जो एक माइंडफुल सक्सेस जिसे कह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री सक्सेस, उसको आपको शुरू से ही, जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो उस टाइम से ही क्राफ्ट करना शुरू कर देना होता है कि आपके सारे डिसीजंस उस चीज़ पे लीड करते हैं, आपको उस तरफ ले जाते हैं, एक पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाते हैं, एक हैप्पी लाइफ की तरफ, एक फ्री लाइफ की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो वो वाली सक्सेस बेहतर है। तो जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको अपने डिसीजंस एनालाइज करने हो या सक्सेस के पीछे अगर आप जा रहे हो, तो आप कोशिश करें कि आप पीसफुल सक्सेस के पीछे जाएं और ये एंग्जाइटी वाली सक्सेस के पीछे ना जाएं। और ये एंग्जाइटी वाली जो सक्सेस है ये जल्दी स्पीड से भी हो जाती है, ठीक है। और जो ये दूसरी पीसफुल सक्सेस, इसको बनाने में टाइम लगता है और इसमें बनाने में सोचना पड़ता है ज़्यादा। तो पर ये मुश्किल चॉइस है, पर आपको लॉन्ग टर्म में जो पीसफुल सक्सेस है वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी और वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और लॉन्ग टर्म में ये जो फास्ट और गेट रिच क्विक वाली जो सक्सेस है, जो कि पॉसिबल और बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, पर वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं लगेगी। आप भले ही आप कितनी वेल्थ बिल्ड कर लोगे उसमें, पर आपको आखिर दिन में शांति चाहिए और खुशी चाहिए और दिमाग शांत होना चाहिए, मेन चीज़ तो है। तो ये चीज़ आपको तभी मिलेगी आप अगर आप अपनी सक्सेस डेलिब्रेटली इस तरीके से बनाओगे कि आपकी सक्सेस आपको ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं दे रही है, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने पॉइंट अपना बना दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस फ्री सक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और आप कैसे उसे बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको शुरू से उसके बारे में सोचना है कि आप हर डिसीजन पे सोच रहे हो ये डिसीजन मेरे को स्ट्रेस फ्री सक्सेस की तरफ ले जाएगा या फिर एक स्ट्रेस्ड सक्सेस के ऊपर के पास ले जाएगा, और फिर आपको स्ट्रेस फ्री सक्सेस वाला ऑप्शन चूज़ करना है हमेशा।
थैंक यू, यही मेरे को आपको समझाना था, आशा करता हूँ कुछ आपको मिला होगा इस ब्लॉग से। थैंक यू।